नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट एंड गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। राजस्थान की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सभी को थंबनेल के अंदर बताया, राजस्थान भर्ती 2018 नई भर्ती का विज्ञापन जारी एंड जो राजस्थान चुनाव के बाद ये राजस्थान की पहली भर्ती है दोस्तों, इसका विज्ञापन आ चुका है एंड इसके जो आवेदन फॉर्म्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। और आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितनी क्या इसके अंदर फीस है, किसके अंदर ये वैकेंसी निकल रखी है, तो अपन देखते हैं डिटेल्स के साथ इस वैकेंसी के बारे में। एंड दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा एंड आप में से जो भी इसका राइट आंसर देगा उनमें से 30 से 40 लक्की विनर्स का नाम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। एंड जो हमने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा था उनके विनर्स का नाम भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। एंड जो हमने इनाम वाली बात कही थी, गिफ्ट वाली, तो उनमें उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आज का सवाल है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? ठीक है, राजस्थान की जो अपने लोक वस्त्र रहते हैं, जो लोक संस्कृति से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो महिला राजस्थान की महिलाएं कमर से एड़ी तक कौन सा वस्त्र पहनती है? तो आपके ऑप्शन है चूनड, लुगड़ा, घाघरा या फिर उपयुक्त। सभी चार ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। और ये क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, अपना आंसर के साथ अपनी सिटी का कमेंट जरूर करिएगा एंड वीडियो को भी जरूर लाइक करिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं ये वैकेंसी निकल रखी है राजस्थान के अंदर ही है, आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर। ठीक है, जो नसीराबाद अजमेर के अंदर ये स्कूल है, इसके अंदर ये गवर्नमेंट की वैकेंसी निकल रखी है, आर्मी पब्लिक स्कूल नसीराबाद राजस्थान की। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं तो ये टीचर्स के लिए वैकेंसी निकल रखी है, जिसमें पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर एंड जो कंप्यूटर टीचर है, इन सभी के लिए जो फॉर्म्स मांगे गए हैं, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी देख सकते हैं, तो इसके अंदर जो आपके पोस्ट है, पीजीटी टीचर है फर्स्ट वाले, आप सभी देख सकते हैं, तो जिसमें फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, जिनके भी पास ये सब्जेक्ट है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसके अंदर बता रखी है, आप सभी देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो आपकी फर्स्ट पोस्ट है पीजीटी वाली। ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन एंड जो बीएड होनी चाहिए आपके, जो बीएड के अंदर है 50% मार्क्स आना चाहिए, 50% अंकों के साथ आपने बीएड कंप्लीट करी होनी चाहिए एंड साथ ही में आपके पास जो स्नातक कोर होता है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास इन सब्जेक्ट्स में से बीएड की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली पोस्ट के लिए। एंड जो सेकंड पोस्ट है आपके टीजीटी टीचर के लिए, तो इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड जो साइंस एंड सोशल साइंस वाले जिन्होंने भी ये कर रखा है बीएड, एंड उनके पास जो बी ग्रेजुएट होनी चाहिए एंड साथ ही में जो बीएड होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो टीजीटी सेकंड वाली पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन एंड बीएड ही होना चाहिए 50% अंकों के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो टीजीटी टीचर कंप्यूटर वाली पोस्ट है, इसके लिए आपके पास जो एमटेक होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए या फिर आपके पास एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, जो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड जो वन ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं टीचर के लिए वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी एंड जो स्कूल भी आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल है। और इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। एंड जिसके अंदर आपकी एज लिमिट है 1 अप्रैल 2019 तक आपकी, जो फ्रेश कैंडिडेट है वो तो 40 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो 40 साल की उम्र तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड जिनके पास एक्सपीरियंस है वो 57 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो सीएसबी स्कोर कार्ड भी अगर आपके पास है तो भी आपका जो बेनिफिट रहेगा, जैसे आपने सीटेट या फिर जो आरटेट, जो टेट या जो कर रखा है, तो वो टीजीटी एंड जो पीआरटी से संबंधित है, तो इसमें भी आपका बेनिफिट रहेगा। तो जो सीटेट वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो क्वालिफाई है। एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म को जो आप या तो स्कूल से मिल जाएगा डायरेक्ट, या फिर जो वेबसाइट के ऊपर भी आज अपलोड कर दिया जाएगा, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है दोस्तों। एंड वेबसाइट भी मैं आप सभी को बता देता हूं, तो जो वेबसाइट के ऊपर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा एंड जो फॉर्म का आपके फॉर्म के साथ आपको अपनी डिटेल्स एंड जो सर्टिफिकेट लगाना है एंड जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एंड डॉक्यूमेंट्स है वो सभी अटैच करना है एंड साथ ही में जो 100 रुपये का DD है जो आपका फेवर में बनवाना है प्रिंसिपल APS नसीराबाद के नाम से, 100 रुपये का DD आपको बनाना है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है आपकी 5 जनवरी 2019 तक आप
इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, और फिर भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड जो सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक आपको जो ऑफलाइन फॉर्म भी यहाँ पे मिल जाएगा स्कूल के अंदर, ठीक है। और या तो आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, या फिर जो स्कूल में जाकर भी आप इस फॉर्म को भेज जो दे सकते हैं, ठीक है। तो 100 रुपये का DD बनवाना है, एंड साथ ही में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, अभी जो वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी देख लीजिएगा एक बार, आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट में बता देता हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल नसीराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी देख सकते हैं www.aps.nasirabad.in, ठीक है। तो इस वेबसाइट के ऊपर अभी जो फॉर्म है अभी अपलोड नहीं हुआ है, जल्दी आपको वेबसाइट के ऊपर जो एप्लीकेशन फॉर्म है मिल जाएगा, एंड जैसे आएगा मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ठीक है, आपको फॉर्म भरना, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लगाना है, एंड डॉक्यूमेंट्स लगाकर जो आपको 100 रुपये का DD बनवाना है, जो फेवर हो प्रिंसिपल APS नसीराबाद के नाम से, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रिंसिपल APS नसीराबाद के नाम से बनाना है, लास्ट तारीख इसकी 5 जनवरी 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो एज लिमिट इसमें 40 है, एंड जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 57 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। दोस्तों तो आप सभी देख लीजिएगा, ये वैकेंसी निकल रखी है अजमेर नसीराबाद के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर टीचर की पोस्ट, एंड सैलरी भी इसमें बहुत ही अच्छी आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। तो और जो मैंने आपसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था तो उनके विनर्स का नाम आप सभी देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपसे भी से क्वेश्चन पूछा था, जो बनी ठनी चित्र शैली है, जो पेंटिंग होती है बनी ठनी चित्र शैली, जो कौन सी शैली से संबंधित है, तो आप में से जिन्होंने भी राइट आंसर दिया था उनके नाम इस प्रकार है, एंड जो उस क्वेश्चन का राइट आंसर था किशनगढ़ शैली, ठीक है। क्वेश्चन में कमेंट नहीं कर पाया इसके लिए सॉरी। तो जिन्होंने भी राइट आंसर दिया उनका नाम आप सभी देख सकते हैं, अमरपति मीना का राइट आंसर है। एंड दोस्तों जिनका नाम नहीं आया है उनसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि 600 के समथिंग कमेंट थे तो सभी कमेंट्स लेना मुश्किल था, तो मैंने 40 से ज़्यादा कमेंट सेलेक्ट किए इसके अंदर, तो आपके नाम जिनका भी आया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जो लक्की विनर्स है उनका जिनके लिए मैंने गिफ्ट की बोला था उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा मैं, और लाइव वीडियो बनाकर आप सभी के सामने रिजल्ट घोषित करूँगा, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं जिन्होंने भी राइट आंसर दिया, इसके अंदर शोकत अली है, इन्होंने भी राइट आंसर दिया है किशनगढ़, एंड जो जेक जेज है इनका भी राइट आंसर है बी किशनगढ़, एंड जो राकेश मीना है इन्होंने भी राइट आंसर दिया है किशनगढ़, एंड जो रेखा चीपा का भी राइट आंसर है किशनगढ़, एंड जो संजीत मालवीय है इनका भी राइट आंसर है किशनगढ़ बी, एंड जो अनुराधा रंगा है इनका भी राइट आंसर है बी, एंड जो नरेंद्र सागर ने भी इनका एक जगह तो किशनगढ़ आंसर दिया था और एक जगह ए बोल दिया इन्होंने, तो नरेंद्र सागर, एंड जो अमित कुमावत है इनका भी राइट आंसर है बी किशनगढ़, एंड इसी के साथ आप देख सकते हैं जो ऐश्वर्या राठौड़ है इनका भी राइट आंसर है बी किशनगढ़, एंड उनके बाद जो भरत सिंह राजौरिया है इनका भी राइट आंसर है किशनगढ़, एंड जो मनोज सांगा है इन्होंने भी राइट आंसर दिया है किशनगढ़ बी, एंड जो करनी सिंह है इन्होंने भी राइट आंसर दिया है किशनगढ़ शैली का, एंड जो पवन चौधरी का भी राइट आंसर है किशनगढ़ शैली, अमरपति मीना है इनका भी राइट आंसर है किशनगढ़ शैली, एंड जो शोकत अली का भी राइट आंसर है तो, एंड जो राकेश मीना है इनका भी राइट आंसर है, एंड जो चंद्रसेन बेनीवाल है इनका भी राइट आंसर है, एंड जो हिलम बागड़िया है इनका भी राइट आंसर है, एंड जो पिंटू कुमारी है इन्होंने भी राइट आंसर दिया है बी किशनगढ़, एंड जो किरण कुमार खरादी है इनका भी राइट आंसर है बिन जो किशनगढ़, सावंत सिंह नागरीदास ने इन पेंटिंग का बताया गया है तो इन्होंने डिटेल्स में आंसर दिया है किरण कुमार खरादी ने, ठीक है। एंड जो सुमित शर्मा है इन्होंने भी राइट आंसर दिया है किशनगढ़, एंड जो धर्मराज गुजर है इनका भी राइट आंसर है। एंड दोस्तों मैंने कोशिश की है काफ़ी सारे कमेंट्स इस वीडियो के अंदर लेने की, बट आपको पता होगा 600 के समथिंग कमेंट आए तो सभी वीडियो लेना मुश्किल है, ठीक है। तो रेंडमली जो भी कमेंट मैंने सेलेक्ट किया आप सभी के सामने है, एंड जिन दोस्तों का नाम नहीं आया उन सभी को दिल से सॉरी, नेक्स्ट टाइम आपका ज़रूर नाम आएगा। और मालती सिंह है इन्होंने भी राइट आंसर दिया है किशनगढ़ शैली, एंड आशा नागर है इनका भी राइट आंसर है किशनगढ़, एंड जो माही जांगीड़ है इनका भी राइट आंसर है किशनगढ़, एंड जो तारा गर्ग है इनका भी राइट आंसर है, एंड जो गोपाल धाकर है इनका भी राइट आंसर है किशनगढ़ शैली, एंड जो भूवी मुंडोतिया है इनका भी राइट आंसर है भूवी मुंडोतिया, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को जिनका भी नाम आया है इसके अंदर। एंड जो महेंद्र गुजर है इनका भी राइट आंसर है जयपुर शाहपुरा से ये बिलोंग करते हैं महेंद्र भाई, एंड जो भंवर मीना है इनका भी राइट आंसर है, एंड जो मंजू दूधवाल है इनका भी राइट आंसर है किशनगढ़, एंड जो सुरेश गर्ग है इन्होंने भी राइट आंसर दिया है किशनगढ़, एंड जो उर्मिला डांगी है इनका भी राइट आंसर है बी, ये झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, एंड जो कुलदीप राठौड़ है इनका भी राइट आंसर है
जो रमेश जाट है इन्होंने भी राइट आंसर दिया है, दक्ष ग्रुप है इनका भी राइट आंसर है, एंड जो लिच्छमा मीना है इनका भी राइट आंसर है। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, एंड पसंद आएगा तो प्लीज़ उसको लाइक करेगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड दोस्तों जिनका नाम नहीं आया है उनका नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर आ जाएगा। एंड हमने जो गिफ्ट वाला बोला था, मैंने एक लक्की विनर को हमारी तरफ से राजस्थान जीके की बुक इनाम में दी जाएगी, उसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा, तो इसके लिए आपको 5 से 6 दिन और वेट करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर बीइंग विद टेक्नो राजस्थान, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। एंड दोस्तों आप ये पोस्ट है जो इसकी डिटेल में जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टेक्नो राजस्थान www.rajasthanjovtjob.in, ये वेबसाइट की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स में जानकारी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।